केक खाना तो हम सभी को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन अगर उसी केक को अपने हाथों से बेक करते हैं, क्रीम से डेकोरेट करते हैं, तो उस केक की बात ही कुछ और होती है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला एकदम परफेक्ट मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसे आप मिनटों में घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस केक के ऊपर लगने वाली जो क्रीम है, इसको भी हम मार्केट से नहीं लेके आएंगे। इस क्रीम को हम बनाएंगे घर में रखी दूध की मलाई से, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की परफेक्ट चॉकलेट केक की रेसिपी को। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं चॉकलेट बिस्किट, जिससे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बहुत टेस्टी केक। और इसे केक बनाना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो तरह का बिस्किट यूज़ किया है, एक तो प्लेन वाला है, एक क्रीम वाला। आपके पास जो बिस्किट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इनको अच्छे से क्रैक कर लेंगे, मिक्सी जार में डाल देंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद में इसको हम बिल्कुल फाइन बॉर्डर बना के पीस लेंगे। और जब तक इसको हम पीस रहे हैं, हम आगे बेकिंग की तैयारी भी कर लेते हैं। तो केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पतीला। आप पतीले की जगह पे तवा, कुकर कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी नमक लिया था, और इस नमक को मैंने कई बार केक बेक करने में यूज़ कर लिया है। जब भी आप केक बेक करें, नमक को स्टोर कर लें और फिर से यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। नमक को हम तले पर अच्छे से फैला देंगे, ताकि जो हीट निकलेगी चारों तरफ से अच्छे से निकलेगी और केक बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा। अब मैंने यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है इसको लो रखा है। लो फ्लेम पे केक को बेक करेंगे तो केक बहुत ही परफेक्ट बेक होता है। तो गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, पतीले को कवर कर देंगे और बिना खोले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो जब तक ये प्री हीट हो रहा है, हम आगे तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बिस्किट को बहुत अच्छे से पीस लिया है, कोई भी बिस्किट टुकड़े नहीं होने चाहिए, दस का ध्यान रखना है आपको। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी में डाल देंगे एक कप दूध। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी वाले मग से एक कप लिया है, नाप के कहें 200 ग्राम है। दूध ना तो ठंडा हो ना तो गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब हम केक को बेक करने के लिए, फुलाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पाउच इनो का, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है मार्केट में। इसको डाल देंगे। इनो डालने के बाद में इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं फिर से। बस केक बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस टाइम पे जब आप बिस्किट के पाउडर में दूध डालते हैं, इनो डालते हैं, तो आप इसको बहुत ना मिलाएं, बस इतना मिलाएं कि सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हम बहुत देर तक बाहर नहीं रखेंगे। इसको बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है केक टिन, जिसको हम अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। मोल्ड में तेल लगाने के बाद में इस पर हम रख देंगे बटर पेपर, इससे केक को डीमोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। इस पर फिर से ऑयलिंग कर देंगे। और ये जो केक बटर हमने बना के रखा था, फटाफट इसको हम डाल देंगे मोल्ड के अंदर। इसको हम अच्छे से टैप कर देंगे हल्के हल्के हाथों से, ताकि जितनी एयर बबल्स होगी वो निकल जाएगी और जो केक बनेगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, अच्छे से बेक होगा। अब चलते हैं बेक करने की तरफ। और यहाँ पे जो बर्तन है, 10 मिनट से प्रीहीट हो रहा था, बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। फटाफट इसको खोल लेते हैं, इसमें डाल देंगे स्टैंड। बहुत ही सावधानी से केक टिन को रख देंगे इसमें। बहुत देर तक पतीले को खोल के ना रखें, नहीं तो जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी और जो केक अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा। तो फटाफट हम केक टिन को रखने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको हम अच्छे से बेक करेंगे लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए। लेकिन जब भी आप केक को बेक करें, हमेशा 25 मिनट के बाद घड़ी देख के एक बार केक को जरूर चेक कर लें, ताकि जितना केक बेक हुआ है कितना नहीं बेक हुआ है ये पता चल जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं, 25 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। और ये देखिए, टूथपिक पे हल्का हल्का सा केक का जो बैटर है लगा हुआ है, इसका मतलब है अभी केक को बेक होने में 10 मिनट लग जाएगा। तो फिर से कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे केक को बेक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, यानी टोटल 35 मिनट हो गया है। खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, चाकू बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ मैंने केक टिन को स्लैब रख दिया ठंडा करने के लिए, 30 से 35 मिनट में ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है जो सबके साथ में आती है, जब हम बिस्किट से केक को बेक करते हैं, केक तो बहुत अच्छे से बेक हो जाता है, फूल जाता है, लेकिन जब ठंडा होता है तो ऊपर से बैठ जाता है, बैठता नहीं तो ऊपर सूखा सूखा लगता है, या तो कट करते तो बिखरता है। बिल्कुल परफेक्ट जैसे मैदे केक बनता ना, वैसा नहीं होता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बने, मॉइस्ट बने? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लें एक बर्तन, उसमें डाल देंगे पीने वाला पानी। यहाँ मैंने ली है कॉटन की हैंकी, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का। पानी डाल के अच्छे से निचोड़ लेंगे और इस कपड़े को डाल देंगे हम केक के ऊपर। जैसे जैसे केक ठंडा होता जाएगा, इसकी जो गर्माहट है वो स्टीम बन के केक के अंदर रह जाएगी, जिससे केक बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट रहेगा। तो इसको छोड़ देते हैं बिना खोले। और जब तक केक ठंडा हो रहा है, इसके ऊपर लगने वाली जो क्रीम है जिससे हम केक को डेकोरेट करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्रीम मैंने यूज़ की है, इसको हमने बनाया है घर में रखी दूध की मलाई से। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है।
लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है कि घर में रखी दूध की मलाई से क्रीम कैसे बनाते हैं, तो इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जा कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है। जब भी आप क्रीम को बना के स्टोर करें हमेशा फ्रीजर में रखें ताकि क्रीम ख़राब ना हो। तो फ्रीजर में रखने के कारण क्रीम बहुत हार्ड हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, सारी क्रीम को निकाल लेंगे और फिर से इसको व्हिप करेंगे ताकि क्रीम हल्की सी फ्लफी सी हो जाए। और ये देखिए मैंने क्रीम को अच्छे से फेंट लिया है। इसको फेंटने में 4 से 5 मिनट का समय लग गया था। तो क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है डेकोरेशन के लिए। इसको साइड में कर देते हैं और अपने केक को भी देख लेते हैं। और यहाँ पे केक भी ठंडा हो गया है, कपड़े को हटा देते हैं। तो ये देखिए केक कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफी सा है। इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं, हल्का हल्का टैप कर देंगे टिन पे ताकि जितना भी केक लगा हो छूट जाएगा। और ये देखिए वाह, कितने आसानी से केक निकला है टिन में से, कितना स्पंजी केक बना है। जैसे रुई की तकिया होती है ना, बिल्कुल तकिए जैसा, कितना स्पंजी केक बना है, वो भी बिस्किट से। और यहाँ पे केक भी तैयार हो गया है, क्रीम भी अच्छे से फिट गई है। तो हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो ऊपर से हल्का सा हम ट्रिम कर देते हैं, उसके बाद हम चाकू की हेल्प से बीच से केक को कट कर देंगे एक लेवल में। और ये देखिए मैंने केक को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी केक बना है, अंदर कितनी जाली है। कोई कह नहीं सकता कि इसको हमने बिस्किट से बनाया है। नॉर्मल जो बिस्किट का केक बनता है ना, वो बनने के बाद में बिखरता है, लेकिन बिखर नहीं रहा है ये। और यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर थी मैंने इसको नीचे रख दिया है ताकि जो केक का शेप है बिल्कुल परफेक्ट आए। इसके ऊपर लगा देंगे हम शुगर सिरप, थोड़े से पानी में चीनी डाल दिया था मैंने, अच्छे से मिला दिया था। इसको लगा देंगे ताकि केक मॉइस्ट रहे। और यहाँ मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर दिया है, इससे केक को डेकोरेट करना बहुत आसान हो जाता है। क्रीम लगाने के बाद में इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। और यहाँ पे जो केक का नीचे का साइड था इसको मैंने ऊपर रखा है ताकि जो केक का शेप आए बिल्कुल परफेक्ट आए। इसके ऊपर भी हम लगा देंगे शुगर सिरप और जितनी बची हुई क्रीम इसको डेकोरेट कर देंगे। और ये देखिए मैंने क्रीम से केक को कवर कर दिया है जितना मुझसे हो पाया था। अभी हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल लेंगे, मेरे पास रखे थे इसको डाल देंगे। और ये देखिए केक पे स्प्रिंकल डालने के बाद में कितना अच्छा लुक आया केक का, कितना कलरफुल लग रहा है। बच्चे तो बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट हो जाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे हम केक को पाइपिंग भी कर देंगे ताकि और अच्छा लुक आए केक का। और यहाँ मेरे पास चेरी भी रखी, इसको हम डेकोरेट कर देते हैं। और फाइनली ये हमारा चॉकलेट केक बनके तैयार हो गया, जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह जरूर शेयर करें, जहाँ देखें वहाँ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।